दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सैमसंग अकाउंट किस तरह से क्रिएट किया जाता है। इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे, सैमसंग अकाउंट को क्रिएट करके देखेंगे, साथ में लॉगिन करेंगे स्मार्टफोन में और स्मार्ट टीवी में। मेरे पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि यहाँ पे सैमसंग अकाउंट क्रिएट करने टाइम वेरिफिकेशन ओटीपी नहीं आ रहा है मेल आईडी पे, पासवर्ड एरर हो रहा है, बहुत सारी चीजें दिक्कत आ रही थी, इसीलिए मैंने सोचा सेकेंड वीडियो बना दूं डिटेल में। इस वीडियो में टाइम स्टैम्प भी दे दूंगा, आप डायरेक्टली जंप करके उस टाइम स्टैम्प पे जाके देख सकते हैं किस तरह से क्रिएट किया जाता है अकाउंट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसी तरह कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह का अनबॉक्सिंग एंड टेक रिलेटेड वीडियो आप सभी के लिए लाता रहता हूं। अकाउंट क्रिएट करने के लिए दो मेथड को यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली क्रोम वाले ऑप्शन पे जाके क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अपने लॉग इन नहीं किया हो सैमसंग अकाउंट अपने स्मार्टफोन में तो डायरेक्टली यहाँ से भी जाके उसे एक्सेस कर सकते हैं। सैमसंग अकाउंट पे जाना है और क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको क्रोम पे करके दिखाता हूँ किस तरह से इसे क्रिएट कर सकते हैं। क्रोम को ओपन करना है और सिंपली सर्च करना है क्रिएट ए सैमसंग अकाउंट, सबसे फर्स्ट वाले लिंक पे ओपन कर लेना है, देन साइन इन विद योर अकाउंट आईडी पे क्लिक करना है। यहाँ पे सिंपली क्रिएट ए अकाउंट पे क्लिक करना है, टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना है। इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। ईमेल आईडी वही डालें जो कि लॉगिन हो आपके स्मार्टफोन में, क्योंकि उसी पे ओटीपी जाता है। बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया था कि मेरा ओटीपी नहीं आ रहा है, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम हो रहा था ये चीज़, और पासवर्ड में उनको कन्फ्यूजन हो रहा था कौन सा पासवर्ड डाले। तो यहाँ पे ईमेल आईडी वही डाले जिस पे ओटीपी जाए। पासवर्ड में आप अपना यहाँ पे अपना नया पासवर्ड क्रिएट करना है, जिस भी टाइम सैमसंग अकाउंट को लॉगिन करेंगे यही पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे। चलिए सारे चीज़ों को फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को भर लिया है। आप पासवर्ड अच्छे से डालें, अल्फाबेट यूज़ करें, न्यूमेरिकल यूज़ करें, सारी चीज़ों को मिला के 8 कैरेक्टर का पासवर्ड बनाना है। तो आप अपने हिसाब से पासवर्ड को क्रिएट कर लें, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद वेरिफिकेशन कोड सेंड हो गया है आपकी ईमेल आईडी पे जो आपने यहाँ पे सबमिट किया है। तो देख पा रहे हैं कि ईमेल आ चुका है, वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे आ चुका है, सिंपली उसे वहाँ पे टाइप करके एंटर करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, डन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मेरा सैमसंग अकाउंट क्रिएट हो चुका है। इसके 2-स्टेप वेरिफिकेशन को आप यूज़ कर सकते हैं या फिर नॉट नाउ पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। नॉट नाउ पे क्लिक करके आगे बढ़ने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, मीन्स कि आपका जो सैमसंग अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। तो चलिए सैमसंग अकाउंट को लॉगिन कर लेते हैं अपने स्मार्टफोन में। किस तरह से लॉगिन कर सकते हैं, सेटिंग को ओपन करना है, सैमसंग अकाउंट पे क्लिक करना है, यहाँ पे ईमेल आईडी जो आपने डाला था सैमसंग अकाउंट क्रिएट करने टाइम वही ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है, पासवर्ड वही इंटर करना है जो आपने वहाँ पे सैमसंग अकाउंट क्रिएट करने टाइम यूज किया था, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है टिक करके। 2-स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं, आपके अगर ईमेल आईडी में मोबाइल नंबर यूज़ किया गया हो तो उसे आप 2-स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। इस तरह से आप प्रोसेस करके अपने स्मार्टफोन में सैमसंग अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं, कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। सैमसंग के टीवी में सेम अकाउंट को किस तरह से लॉगिन करते हैं, आइए उस प्रोसेस को देखते हैं। सैमसंग अकाउंट को सैमसंग के टीवी में लॉगिन करने के लिए आपके पास कोई भी सैमसंग का टीवी है, सिंपली होम बटन को प्रेस करना है, सैमसंग अकाउंट वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, साइन इन एंड क्रिएट अकाउंट। आपके पास जो सैमसंग अकाउंट है सिंपली साइन इन पे क्लिक करके लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। ईमेल आईडी वही डालना है जो कि आपने सैमसंग अकाउंट क्रिएट करते टाइम यूज़ किया था, पासवर्ड आपने सैमसंग अकाउंट वाला डालना है। सिंपली सेंड कोड पे क्लिक कर देना है, आपने जो मेल आईडी दिया था उसी मेल पे एक कोड सेंड होता है। तो यहाँ पे मेरे मोबाइल में वो कोड आ चुका है, सिंपली मैं उसे इंटर कर वेरीफाई कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं सैमसंग अकाउंट सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। आप जो भी चीज़ें डाउनलोड करना चाहते हैं ऐप स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आपका सैमसंग अकाउंट लॉगिन हो चुका है आपके स्मार्ट टीवी में। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से अकाउंट को क्रिएट किया जाता है और इसे लॉगिन कैसे कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन में स्मार्ट टीवी में। सारा डिटेल मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर अदर क्वेरी हो तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।